तो चलिए यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का हम स्टेप देख लेते हैं कि स्टेप कितने होते हैं। स्टेप तीन होते हैं फोटोसिंथेसिस में। सबसे पहले क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय अ क्लोरोफिल। यानी आपको पता है फोटोसिंथेसिस ग्रीन लीव्स में ही होते हैं, तो यहाँ पर क्लोरोफिल के द्वारा लाइट एनर्जी को क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है पहला प्रोसेस में। लाइट एनर्जी यानी सोलर एनर्जी, कितनी बार मैंने आपको यहाँ पर क्लियर करा, राइट? तो आई होप अभी आपको याद हो गया होगा। सेकेंड है कि कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इंटू अ केमिकल एनर्जी, यानी यहाँ पर जो लाइट एनर्जी आपकी एब्जॉर्ब होगी वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, केमिकल एनर्जी में, एटीपी के फॉर्म में आपकी कन्वर्ट हो जाएगी। देन स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, स्प्लिट हो जाएंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। जैसे कि ये फॉर्मूला आपको पता है कि ये फोटोसिंथेसिस का है, यानी यहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा, ठीक है। फोटोसिंथेसिस आपका होता है यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो यहां पर क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ आपका बोला जा रहा है कि वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी यहां पर जो आप वाटर मॉलिक्यूल्स देख रहे हैं ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है। और ये जो आपका हाइड्रोजन होता है ये जाकर कहां लग जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड पर जाकर यहां पर एड हो जाता है, ठीक है। इसी को तीसरा प्रोसेस में बोला जाता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, यानी यहां से हाइड्रोजन जाके एड हो रहा है कहां, कार्बन डाइऑक्साइड पर। इसी को क्या बोल रहे हैं हम, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पर जैसे हाइड्रोजन क्या होगा, एड होगा, तो ये किसका फॉर्मेशन करेगा, ये फॉर्मेशन कर रहा है आपको कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। यानी इसको हम कार्बोहाइड्रेट कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। यानी ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, तो ये कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। तो यहां पर ध्यान रखें कि ये जो दोनों चीजें हैं कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी और लाइट एनर्जी किसमें चेंज हो रही है, आपकी केमिकल एनर्जी में हो रही है, ये दोनों क्या होते हैं, प्रेजेंस ऑफ लाइट, क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ लाइट। यानी ये दोनों प्रोसेस लाइट के प्रेजेंस में ही पॉसिबल है, अगर लाइट नहीं हुआ तो दोनों ये प्रोसेस आपके नहीं होंगे। और ये जो तीसरा है कि रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है, यानी हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड में जाकर क्या होता है, एड होता है, एड होने के प्रोसेस को रिडक्शन कह रहे हैं, और उससे क्या बनता है आपको, कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो ये डार्क फेज जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, डार्क फेज, यानी ये नाइट में होता है, डार्क फेज में आपका होता है। तो अब हम क्लियर करते हैं कि जो लीफ होते हैं वहां से ऑक्सीजन कैसे मिलता है, यानी जो हम ऑक्सीजन ले रहे होते हैं, आपने सुना है कि प्लांट हमें ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन प्लांट के किस पार्ट से ऑक्सीजन मिल रहा है, तो हमें लीफ से मिल रहा है। तो लीफ में ऐसा क्या होता है, वहां से ऑक्सीजन कैसे निकलता है, क्या कोई घर होता है, दरवाजे होते हैं उसमें, जी नहीं दरवाजे नहीं होते, लेकिन हाँ वहां पर दरवाजे की तरह कुछ होता है जो कि फंक्शन करता है, जैसे कि आपके लीव्स में पाया जाता है स्ट्रोमेटा, स्ट्रोमेटा, यानी जो ऑक्सीजन रिलीज होता है लीफ में किसके थ्रू होगा, थ्रू एस्ट्रोमेटा, यानी एस्ट्रोमेटा के थ्रू क्या होते हैं, ऑक्सीजन रिलीज होते हैं लीव्स में। तो एस्ट्रोमेटा होते क्या है, एक बार समझते हैं कि एस्ट्रोमेटा आर अ टाइनी पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीफ, यानी एस्ट्रोमेटा जो होते हैं टाइनी पोर होते हैं, यानी छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं लीफ के सर्फेस पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। कैसे समझते हैं, एक बार स्ट्रक्चर से, स्ट्रक्चर से ज्यादा क्लियर होगा। सपोज हमारे पास क्या है, ये प्लांट का लीफ है, ठीक है, ये क्या है हमारे प्लांट्स के लीफ है, ठीक है। इस पे क्या प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, इस पे छोटे छोटे होल्स होते हैं लीव्स पर, बहुत छोटे छोटे होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोमेटा, एस्ट्रोमेटा होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एस्ट्रोमेटा में, एस्ट्रोमेटा में होता ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड, आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस लीफ से होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, इन करता है एस्ट्रोमेटा के थ्रू, और फिर यहां से ऑक्सीजन क्या होता है, रिलीज होता है, ठीक है। और इसी रिलीज ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को यूज करते हैं, ओके। तो यहां से ऐसे था प्रोसेस। फिर फंक्शन ऑफ एस्ट्रोमेटा, एस्ट्रोमेटा का क्या क्या फंक्शन होता है ये देखते हैं। सबसे पहले ट्रांसपिरेशन कराता है एस्ट्रोमेटा। ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है, ये लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर ड्यू टू एवोपरेट। तो देखिए ट्रांसपिरेशन क्या है, एक एस्ट्रोमेटा का आपका फंक्शन है। तो ट्रांसपिरेशन में क्या होते हैं कि जो भी लीव्स होते हैं उसके सरफेस पे जो भी वाटर वेपर होते हैं ये क्या होते हैं, एवोपरेट हो जाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। एक बार समझते हैं डेफिनेशन से कि लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द लीव, यानी लीव के सर्फेस से जो वाटर का लॉस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर ड्यू टू एवोपरेट,
एवोपरेट होने के कारण क्या होते हैं, वाटर जो होते हैं ये लॉस हो जाते हैं वाटर वेपर के फॉर्म में, उसी को क्या कहते हैं हम, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो ये क्या था, फंक्शन है एस्टोमेटा का। दूसरा क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है एंड रेस्पिरेशन कराता है। एस्टोमेटा का दो ही फंक्शन है, ट्रांसपिरेशन और गैसेस का एक्सचेंज करना, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एस्टोमेटा, यानी एस्टोमेटा का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए एस्टोमेटा का स्ट्रक्चर ना कुछ ऐसा होता है, यानी ऑब्वियसली एस्टोमेटा कहाँ पाया जाता है, लीव्स पर ही पाया जाता है, जो कि छोटे छोटे होल्स होते हैं जहां से गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो यहां पर आप ये जो देख रहे हैं ना, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर ऐसे मुड़ा हुआ, इसे हम बोलते हैं गार्ड सेल। क्या बोलते हैं हम, गार्ड सेल कहते हैं। ये जो है यहां पर क्या रहता है आपका, क्लोरोफिल रहता है, ठीक है। ये जो आप देख रहे थे बीच का पार्ट, इसे हम बोलते हैं एस्टोमेटल पार्ट, यानी एस्टोमेटल। एस्टोमेटल पार्ट क्या होता है, ये बीच में होता है गार्ड सेल के बीच में, यानी गार्ड सेल इनके क्या कर रहे होते हैं, एक तरीके से सिक्योरिटी की तरह काम करते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं कि एस्टोमेटा भी दो तरीके से होते हैं, देखिए ओपन एस्टोमेटा और क्लोज एस्टोमेटा। ओपन कब होता है, क्लोज कब होता है, ये समझते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि गार्ड सेल क्या होता है। तो गार्ड सेल क्या है, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज कंट्रोल्ड बाय अ किडनी बीन शेप्ड सेल्स। देखिए गार्ड सेल जो होता है ना, ये क्या करता है, ये बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, यानी जैसे राजमा आपने देखा है ना, उसी तरीके से क्या होते हैं इनके स्ट्रक्चर होते हैं गार्ड सेल्स का, जो कि कितना ओपन होना है कितना क्लोज होना है, यानी वाटर कितना एंटर कराना है और कितना बाहर कराना है, इसका ख्याल कौन रखता है, गार्ड सेल ख्याल रखता है, ठीक है। अब आगे समझते हैं कि ओपनिंग ऑफ एस्टोमेटा में क्या होता है, ओपनिंग ऑफ एस्टोमेटा यानी एस्टोमेटा ओपन कैसे होता है। तो सबसे पहले ये क्या है हमारे पास, गार्ड सेल है, ठीक है। ये कैसा दिख रहा है आपको, ओपन दिख रहा है या क्लोज दिख रहा है, तो ऑब्वियसली क्लोज दिख रहा है, क्योंकि ये दोनों क्या है, पास पास है और ये एक दूसरे में क्या है, श्रिंक है, ठीक है। तो ये क्या है आपका, गार्ड सेल है। गार्ड सेल में क्या होगा, इंडो ऑस्मोसिस होगा। इंडो ऑस्मोसिस मतलब इसमें वाटर क्या करेंगे, एंटर करेंगे किसके थ्रू, एस्टोमेटा के थ्रू, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, वाटर आपके एंटर करेंगे, जब वाटर एंटर करेंगे तो एस्टोमेटा क्या हो जाएगा आपका, ओपन हो जाएगा, ठीक है। यानी गार्ड सेल क्या हो जाएंगे, स्वेलिंग आ जाएगा, इसमें स्वेल हो जाएंगे, यानी ये फूल जाएंगे। जब फूल जाएंगे तो यहां पर इनका जो एस्टोमेटा पोर होगा ये क्या हो जाएगा आपका, ओपन हो जाएगा, ओके। अब आगे समझते हैं क्लोजिंग ऑफ एस्टोमेटा। देखिए ऐसा तो नहीं कि हमेशा ओपन ही रहेगा, तो पता चला पूरा का पूरा वाटर ही क्या हो जाएगा, वहां से एवोपरेट हो जाएगा, तो उसे क्लोज भी होना होता है, ओके। तो सबसे पहले यहां पर क्या है, हमारे पास ओपन एस्टोमेटल पोर है, इसमें होता है एक्सो ऑस्मोसिस, ठीक है। एक्सो ऑस्मोसिस मतलब क्या होता है, कि वाटर कहां जाएगा, बाहर जाएगा इसमें, ठीक है। तो वाटर यहां से क्या होने लगते हैं, बाहर जब जाते हैं, जब वाटर बाहर जाने लगते हैं तो गार्ड सेल क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। तो श्रिंक होगा तो हमारा जो कुछ एस्टोमेटल पोर होगा इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। यानी यह क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा और पतली सी इसकी शेप हो जाएगी, इसी को हम बोलते हैं क्लोज एस्टोमेटल पोर। तो यहां पर हमारा खत्म होता है न्यूट्रिशन इन प्लांट। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स।